हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लर्निंग एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, किससे? सेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के साथ। मैंने कल मेरे प्यारे दोस्तों रूल 5 करवाया। इस 5 रूल में क्या था, हम कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने ईच एंड एवरी फार्मूला आई कवर्ड, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। मैंने कल आप लोगों को एक वादा किया था कि जो भी मैंने फार्मूले करवाए थे किसके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, वो थे टाइम बाउंडेड, यानी टाइम के साथ थे, यानी सिंस और फॉर के फार्मूले के साथ थे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट की थी कल कि बीन का इस्तेमाल ओनली, क्योंकि बीन बहुत ज़्यादा एरर क्रिएट करता है हमारा हर जगह, कि बीन का इस्तेमाल मैं बिना टाइम वाले सेंटेंसों को कैसे यूज करना है बीन का, वो आज मैं दोस्तों इस लेक्चर में कराऊंगा, स्पेशली रूल 5A पार्ट में, कि भाई बीन का इस्तेमाल विदाउट टाइम वाले सेंटेंसों में कैसे होगा, क्यों होगा, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो नेक्स्ट दोस्तों, अभी देखो जो बीन का इस्तेमाल मैं करना सिखा रहा हूं ना, विदाउट फॉर एंड सिंस, किसके साथ? सेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के साथ मेरे प्यारे दोस्तों। सेंटेंस को देखो, नंबर 1 सेंटेंस क्या कह रहा है ये, वह लिखता रहा है, वे लिखते रहे हैं, वे खेलते रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कैसे इंग्लिश सिखा रहा हूं आप लोगों को, हाउ टू ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश, यानी एंग्लो हिंदी से मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये 3 सेंटेंस दिए गए हैं जो ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे, तो इनमें क्या सेंस आई, क्या सेंस हुआ इनको देखकर? वह लिखता रहा है, मतलब कि हमें इस चीज का बोध होता है कि कोई कार्य हमारा किसमें, पास्ट में चल रहा है, पास्ट से यानी भूतकाल से चला है। वह लिखता रहा है जो कि प्रेजेंट में भी चल रहा है, लिखता रहा है। अरे सेंस पकड़ने की कोशिश करो इस वाक्य की, वह लिखता रहा है यानी वो पास्ट में भी लिख रहा था, वो प्रेजेंट में भी लिख रहा है, मतलब कि क्या है, कोई कार्य भूतकाल से यानी पास्ट में, मतलब कि क्या है, पास्ट में चला था, यानी पास्ट चला है, वर्तमान में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलने की संभावना है। भाई ये सेंस कह रहे हैं 3 वाक्य, इन बातों को ध्यान में दो कि मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को। ये चीजें जरूरी है कि भाई जो भी कार्य भूतकाल से आरंभ था वह अभी भी जारी है और भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है। तो इन जैसे वाक्यों में केवल बीन का इस्तेमाल होता है मेरे भाई, याद रखो केवल बीन का, ना कि फोर और सिंस का इस्तेमाल करोगे, गलत हो जाएगा भाई। इन जैसे सेंटेंसों में केवल बीन का इस्तेमाल होगा भाई, इन जैसे टाइप में। वह लिखता रहा है, वे लिखते रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके साथ साथ हमें एक चीज की और सेंस हुई है कि जो अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में था धातु प्लस में ता है, ते है और ती है, ये था ना। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, धातु प्लस में रही है
रहे हैं। तो ये दो चीज थी हमारी जो मैंने प्रीवियस लेक्चरों में करवाई आप लोगों को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इन वाक्य को पढ़ रहे हो आप, क्या है ये? इन दोनों का मिक्सचर है ये, यानी इन दोनों को, सिंपल प्रेजेंट को और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मिला दोगे तो क्या बनेगा आप लोगों का? ये बनेगा क्या सेंटेंस? वह लिखता रहा है, यानी ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या समझे जो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख के नहीं आएगा, यानी जो मेरी जो लास्ट की सारी 14 वीडियो को नहीं देखेगा, तो भाई इनकी एफिशिएंसी नहीं मन पाएगी आपकी 100%। तो 100% एफिशिएंसी के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है भाई। तो इन दोनों का मिक्सचर, यानी धातु प्लस में ता है, ती है, ते है, और रहा, रही, रहे का मिक्सचर है क्या ये सेंटेंस, जिसमें जो टाइम के सेंटेंस से डिफरेंस बिन का इस्तेमाल होता है। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन बनी कि भाई ही हैज बीन राइटिंग, दे हैव बीन राइटिंग, दे हैव बीन प्लेइंग। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ऐसे सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन होगी क्योंकि इसमें कोई टाइम नहीं है, ठीक है? उसमें क्या था? सिंस और फॉर में टाइम का बोध होता था, से, हाँ भाई, उस टाइम से। लेकिन इसमें क्या है? विदाउट एनी, वह लिखता रहा है। तो लिखता रहा है का तुम, अब मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दे दिया कहां से क्या आया है, और बीन का भी इस्तेमाल हुआ है, और बीन के इस्तेमाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आया है। तो ये है, ऐसे बीन का इस्तेमाल होगा भाई। ऐसे एक्सप्लेनेशन केवल ओपन लाइन अकेडमी पे सिखाया जाता है बच्चों को भाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्यारे दोस्तों, जैसे कि अपना सेक्शन सेकंड है, यानी आप लोगों की क्या वर्ड पावर को स्ट्रोंग करने के लिए मैंने ये पोर्शन रखा हुआ है। आउट यानी पेरिशियल वर्ब, यानी प्रीपोजिशन प्लस में वर्ब के दो लिखवा दिए मैंने, 6 पीछे लिखवा दिए हैं आउट केस के। अब आ गया 7वां 8वां, यानी चेक आउट, यानी द चेक आउट द टाइम ऑफ द होटल इज 12 noon। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई होटल की, होटल छोड़ने का समय दोपहर के 12 बजे का है। उसके बाद क्या है? कैम आउट, जाहिर होना। जाहिर होने का मतलब क्या होगा भाई? इट्स कम आउट दैट ही न्यू द सीक्रेट ऑफ थीप। तो इसका मतलब क्या है? यह जाहिर हो गया कि चोर का रहस्य, कि वह चोर का रहस्य जानता है। तो ये दो सेंटेंस हमारे पूरे हुए मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो सेंटेंस है ना मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं करवा रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे पोर्शन में, क्योंकि ना जितने भी 90% पैराज आते हैं ना, उनके इजी एक्सप्लेनेशन में ये आप लोगों की मदद करेगी। और ये पैराज एसएससी सीजीएल में या आईलेट्स में हर जगह आते हैं भाई, एनडीए के इंग्लिश एग्जाम में हर जगह आते हैं भाई, हर जगह, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं ये चीज़ें। ये चीज़ें नहीं आएंगी आप लोगों को, समझ लो इंग्लिश में कुछ भी नहीं आया भाई। मैं ग्रामेटिकली आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रोंग कर दूंगा भाई कि यदि आप लोग मेरे ईच एंड एवरी लेक्चर को बारीकी से देखोगे तो भाई आप लोगों को ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ इंग्लिश आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। और दूसरा कारण ये है कि मैं केवल हिंदी में बोलता हूँ आप लोगों को इंग्लिश की, और हिंदी से ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में। तो मेरे प्यार दोस्तों, इस नोट के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।